बद्रीनाथ धाम का मुख्य पहाड़ जोशी मठ में ऑल वेदर रोड का विरोध प्रदर्शन अब और तेज होता दिख रहा है। जोशी मठ में व्यापार सभा के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर मुख्य बाजार में जुलूस निकाल रोष जताया। हम चाहते हैं कि ऑल वेदर रोड बने, लेकिन जोशी मठ को छूते हुए बने, जोशी मठ से होते हुए बने, क्योंकि यदि रोड नीचे से हेलंग मारवाड़ी से बनती है तो कई प्रकार के नुकसान यहाँ हो सकते हैं, और जो हमारे देश विदेश के जितने तीर्थ यात्री आते हैं उनकी यात्रा तभी सफल हो पाती है जब वो नरसिंह भगवान जी के दर्शन करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऑल वेदर रोड जोशी मठ से 18 किलोमीटर पहले ही हेलंग से मारवाड़ी पर जुड़ रहा है। इसके जुड़ने से जोशी मठ मुख्य बाजार से बद्रीनाथ जाने वाले यात्री सीधे हेलंग से मालवाड़ी से बद्रीनाथ पहुंचेंगे, जिसके बाद यात्रा के दौरान जोशी मठ के व्यापारी के साथ स्वामियों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए अब जोशी मठ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके साथ विरोध कर रहे लोगों का ये भी कहना है कि वे ऑल वेदर रोड के विरोध में नहीं हैं। इनका विरोध हेलंग से मालवाड़ी तक बाईपास बनने को लेकर है, जिससे शहर को खतरा हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता रामकृष्ण रावत ने जोशीमठ को धार्मिक नगरी बताते हुए कहा कि यहां भगवान नरसिंह का मंदिर है, इसके दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा सफल नहीं मानी जा सकती, इसलिए ऑल वेदर रोड जोशीमठ नगर से जुड़ना फायदेमंद होगा। फिलहाल इस विरोध के बीच कहीं ना कहीं इस रोड को लेकर लोगों के बीच में खुशी भी है। अब देखना यह होगा कि यह विरोध आखिर कब तक चलता है। जोशीमठ से टीवी 100 के लिए संजय की रिपोर्ट।